हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बनाएंगे खोए और तिल के लड्डू, यानी खोआ और मावा लड्डू। उसको मावा भी बोलते हैं और खोया भी बोलते हैं। देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने खोआ यानी मावा ले लिया है मैंने, ये 250 ग्राम लिया है। ये चीनी है, मैंने पिसी हुई चीनी ली है, तो ये मैंने आधा कटोरी ली है। ये एक कटोरी मैंने तिल लिए है, ये किशमिश है और ये बारीक इलायची है, और ये 5 से 6 बादाम के मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए है। आइए अब इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं गैस ऑन करूंगी। मैंने गैस ऑन कर दी है और इसमें सबसे पहले मैं ये तिल डालूंगी, इसको हमें रोस्ट करने। ये देखिए, मैं इनको रोस्ट करूंगी और इस तरीके से ऐसे हल्के हल्के चलाऊंगी। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं रखना, कि जिससे हमारे तिल जल जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से मैं इनको रोस्ट करूंगी जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। फ्रेंड्स ये देखिए, तिल हमारे भुन चुके हैं, यानी इनका कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए, इनका कलर हमें ब्राउन ही चाहिए था, ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं गैस बंद करूंगी और इनको एक प्लेट में निकाल। देखिए मैंने वापस से वही पैन ले लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब ये मैं मावा लूंगी और इसको मैं भूनूंगी। ये देखिए इस तरीके से चलाना है और इसको चलाते रहना है कि ये लगे ना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से चलाते रहना है कि जब तक ये सिके ना, तो इसको चलाते रहें आप कि ये लगे ना। ये देखिए मैं इस तरीके से इसको चलाते जा रही हूँ। और ये मैंने कद्दूकस से क्रश कर लिया था कि ये जल्दी से हो जाता है और इसमें लम्स नहीं पड़ते, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये खोआ हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं। और ये भुन जाता है तो इसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आने लगती है। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी, यानी कि जो मैंने चीनी का पेस्ट बना के रखा था, पाउडर बना लिया था। ये देखिए मैंने पीस ली थी चीनी को, और ये मैं इस तरीके से इसमें डाल दूंगी और इसमें मिक्स करूंगी। और चीनी मिलाने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो हमें जब तक इसको पकाना है जब तक कि ये वापस से थिक ना हो जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसमें चीनी मिक्स कर ली है, यानी जो मैंने चीनी का पाउडर बनाया था। ये देखिए, और ये अच्छी तरीके से थिक भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर जो मैंने इलायची का पाउडर बनाया था वो डाल दूंगी। ये मैंने 2 से 3 इलायची ली थी, और इसके बाद ये मैं बादाम डाल दूंगी और ये किशमिश डाल दूंगी। आप जो चाहे, आपको जो अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट, आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। और इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए सबको। ये देखिए, फ्रेंड्स ये देखिए, इनको मैंने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं मिलाने, अगर आपको ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते, तो आप इसको सादा भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये सब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल के थोड़ी देर ठंडा करूंगी और फिर इसके लड्डू बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। हमें इसको ज्यादा ठंडा नहीं करना, यानी इतना ठंडा हो जाए कि आप इसका तेजपन सहन कर सके। और ये देखिए, अब मैं इस तरीके से इसकी बॉल बना रही हूँ। ये देखिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके हाथ जल जाए, यानी इतना होना चाहिए कि ये आसानी से हो जाए और ये चिपकना नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैं इसके लड्डू बनाऊंगी सारे। ये देखिए, और ये बना के मैं इस तरीके से रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से इसके लड्डू बना रही हूँ, और ये मैंने सारे लड्डू बना लिए। ये देखिए, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बना लिए। अब मैं तिल के अंदर इनको रैप करूंगी, यानी तिल इसके चारों तरफ लगाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, तिल थे जो भून लिए थे, अब इनको ये देखिए इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैं इस तरीके से सारे लड्डू में, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा आप ऐसे और कर दें, ये तिल इसके अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं देखने में कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से लिया हो
और आप इसको बनाएंगे तो जरूर आपको ये पसंद आएगा। और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने सभी लड्डू में कोटिंग कर ली है इस तरीके से तिल की, और ये सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, और चाहें तो आप इनको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से भी प्रेस कर सकते हैं। ये तिल इनके ऊपर आसानी से चिपक जाते हैं, ये देखिए आप। फ्रेंड्स देखिए, सारे लड्डू बनके तैयार हैं, और देखने में ये कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने मार्केट से खरीदे। और ये इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। ये लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लड्डू कैसे लगे।